Welcome to Simply Lakshmi's Life. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। और सुबह सुबह और एक नए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मिल्क का पैकेट ना सुबह ही देके जाते हैं डोर पे, 6 o'clock तक आ जाते हैं। और 6 o'clock ना बाहर कॉरिडोर का लाइट भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा क्लीन हो ही जाता है, अंदर लाइट की वजह से बाहर थोड़ा सा डार्क ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे मैं कृति को उठा रही हूँ कि बहुत लेट हो चुका है, तुम उठ जाओ, ये बोलना पड़ता है हर दिन। और यहाँ पे सिम्बा ना, कोई उठे ना उठे सिम्बा मेरे साथ देता ही है, सबसे पहले उठ जाता है। इवन मैं लेट होती हूँ ना, जैसे सैटरडे संडे रहता है, थोड़ा सा अगर लेट होता है तो वो आके मुझे उठा भी देता है। और मॉर्निंग विंटर का हो या समर का, जब बालकनी का डोर ओपन रहता है ना, तो काम करने में भी मज़ा आता है। मतलब एक फ्रेश एयर जो है अंदर आता है, एंड बहुत अच्छा लगता है। मन तो कहता है जैसे बालकनी के बाहर जाके थोड़ी देर खड़ी रहूं, बट सुबह का टाइम इतना बिजी जाता है ना कि थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिलता है। और सुबह मैंने थोड़ा सा पूरी बनाया था कृति को टिफ़िन में देने के लिए, बस उसके लिए ही थोड़ा बहुत बनाया था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने कृति का टिफ़िन भी रेडी कर दिया है, कृति भी रेडी हो गई है। और जिस दिन ना ऐसे ही लेट हो जाता है, तो उस दिन अतनु पहले चला जाता है और कृति बाद में ना भागती हुई जाती है बस पकड़ने के लिए। अतनु और मैं, हम दोनों चाय पियेंगे, विंटर वाला चाय। अतनु जा रहा है वॉक पे। पैर कैसा है? अभी मेडिसिन लेके ठीक हो गया ना? चलो बाय। और आज ना मैं ये वाला बेडशीट यूज करने वाली हूँ, और ये ना प्योर कॉटन का है, और कपड़े की क्वालिटी सच में बहुत अच्छा है। और पिलो कवर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज है इसका, ये वाला। सो ये काफी सारे फ्रेंड ने पूछा है कि ये एक्चुअली कहाँ पे है। हम लोग गए थे ओरियन मॉल। सो ओरियन मॉल पे नीचे देखना कि ऑल मार्केट बोल के एक सुपर मार्केट है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। The reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. एंड पिलो कवर भी ना काफ़ी बड़ा है, और ये वाला ना कृति के रूम वाला कंफर्ट है जो मैं अभी यहाँ पे बिछा रही हूँ, इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और सामने का जो पिलो कवर है मेरा और एक बेडशीट के साथ था, तो वो मैंने डाल दिया है। और आजकल ना सिम्बा बेड के ऊपर आना सीख गया है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो बेड के ऊपर आ जाता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है बेड के ऊपर रहना। सुबह का काम ख़त्म करके अभी मैं जाऊंगी नहाने। आज सोमवार है, तो सोमवार की पूजा रहती है मेरी। थर्सडे और सोमवार को पूजा के लिए मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, और जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं वीकली 2 दिन ही क्लीन करती हूँ। सो अभी मैं पीताम्बरी से बर्तन को
अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज लंच में बनेगा वेजिटेबल पुलाव, लेकिन उसके बीच मैंने ब्रेकफास्ट किया चाय एंड रोटी। अतनु भी आ गया था वर्क से और दोनों ने मिलके ब्रेकफास्ट किया। अतनु गया है अपने ऑफिस के काम में और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना काम। तो चलिए जल्दी जल्दी से वेजिटेबल पुलाव को बना लेते हैं। विंटर में ना वेजिटेबल पुलाव, मिक्स वेज की सब्जी, ये सब ना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैरायटी बहुत रहती है और दिखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल होता है ना। और हाँ, एक बात मुझे याद आया, लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि अगर आपको साड़ी का कलेक्शन देखना है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, मैं डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पुलाव ना मैं थोड़ा सा बटर इसमें मिक्स करूँगी, बाकी मैंने वाइट ऑयल लिया है। एक्चुअली ना पहले मैं घी से बनाती थी, ये शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, बट घी ना अगर ठंडा हो जाता है, एकदम से चिपक जाता है, तो बच्चों को जब टिफ़िन में देना रहता है या खाने में थोड़ा सा लेट होगा तो तब मैं ना ऑयल से ही बनाती हूँ। तो सारे वेजिटेबल मैं यहाँ पर डाल दूँगी अभी, उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold, why? पहले ना मैं चावल को भिगोने के टाइम थोड़ा सा हल्दी मिक्स करती थी, बट अभी ना डायरेक्टली मैं इसमें ही थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, तो पुलाव का जो कलर है ना वो येलो हो जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ना गाय को लेके आते हैं, मतलब हर घर में, अपार्टमेंट में। तो मैंने ना बहुत दिनों से रख के रखा था कि जब आएंगे तो मैं दूंगी, तो मैं तो नहीं जा पाई कुकिंग के टाइम। अतनु गया था नीचे सबसे पहले तो किसी को आना ही है। टाइस कितना ठंडा है। और यहाँ पे है हमारा स्पेशल लंच, पुलाव। और ये ना चिकन कौसा एक्चुअली कल का रह गया था, तो पुलाव के साथ चिकन कौसा बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ये कमेंट्स आए उससे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग ना मंडे को नॉनवेज खाते हैं, और हमारे यहाँ पे ना मतलब पूजा होने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। आटा और चावल जो होता है ना, ये हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अगर ये 2 पैकेट ना हम लोग ले लें तो बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसीलिए ना कुछ महीनों से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, और प्राइस की भी थोड़ी सी मतलब बचत हो जाती है, मतलब प्राइस थोड़ा सा कम में मिलता है हम लोगों को। और ये जो चावल का पैकेट है ना, इसके साथ हर बार एक छोटा सा चावल का पैकेट फ्री में आता है, बट मैं क्या करती हूँ, ये बड़ा सा जो पैकेट है ना उसके चावल के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ, अलग से नहीं बनाती हूँ। कभी कभार ना अच्छा मिलता है, कभी कभार थोड़ा सा मोटा रहता है, तो मैं इसको इसके साथ ही मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं ये पेंट करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।